जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन। इसके अंतर्गत हमने 3-4 क्लास देखे हैं अभ्यास प्रश्न का। आज हम देखने वाले हैं CGPSC या फिर CGVAPM या फिर छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ऊपर एक दिया गया है निर्देश, वो देख लीजिए। निर्देश क्या बोलता है, यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के लिए होगा, ठीक है। तो कहना है कि राम 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। राम जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद फिर वह अपनी दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और पुनः दाईं ओर मुड़ता है मुड़ जाता है जहां वह अपने से विपरीत दिशा में आ रहे सुरेश से मिलता है। तो चलिए पहले इसका एक हम बना लेते हैं डायरेक्शन वाला, या फिर एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कोई इनिशियल पॉइंट बनाते हैं। ये देखिए हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब बोल रहा है कि राम जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो ये देखिए राम ऐसे 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये हमने उत्तर की ओर चला दिया। उसके बाद है फिर वह दाई ओर मुड़ता है, दाई मतलब होता है राइट, तो वह राइट मुड़कर 4 चलता है। ये देखिए ये 4 चला गया इस प्रकार से, फिर दाई ओर मुड़कर 4 चलता है, फिर राइट घुमा दीजिए और इसको 4 चला दीजिए। ये हमने 4 इसको फिर चला दिया, पुनः अपने दाई मुड़कर 4 चलता है, फिर से राइट मुड़ेगा, फिर यहाँ 4 चलेगा। ये देखिए यहाँ 4 चलता है, ठीक है चल गया। फिर वह अपने उसके बाद फिर बोलता है पुनः दाई मोड़ता है। ये देखिए ये दाई मोड़ता है इस क्रम इस प्रकार, पुनः दाई मोड़ता है वह अपने से मुड़ता है। अब गया है या नहीं गया इसकी बात नहीं हुई है, इस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, केवल वह पुनः दाई मोड़ता है, है ना। गया है नहीं गया है जाते नहीं जाते इसकी बात नहीं है, केवल यहाँ पर आया और इधर मुड़ गया, ठीक है मुड़ गया, जहाँ वह अपने से विपरीत दिशा में आ रहे सुरेश से मिलता है। विपरीत दिशा मतलब ये अगर अगर जो राम ऊपर की ओर जा रहा है तो विपरीत दिशा से कौन आ रहा होगा, सुरेश आ रहा होगा, ठीक है यही बताया गया है अभी तक हमने जितना पढ़ा है। अब देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो बोलता है सुरेश जो है किस दिशा से आ रहा था, सुरेश जो है किस दिशा से आ रहा था। अब देखिए राम ऊपर जा रहा है मतलब उत्तर की ओर जा रहा है, यहाँ से देखिए है ना ये डायरेक्शन आप यहाँ बना लीजिए, ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो राम जो है उत्तर की ओर जा रहा है और सुरेश उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसको पूछना पड़ेगा किस दिशा से आ रहा है जा रहा है, ये इसमें आप घूम जाओगे। सुरेश किस दिशा से आ रहा था, तो सुरेश ऊपर से आ रहा है, ऊपर से मतलब उत्तर से आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर होगा इसमें उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख के लगाइएगा, अगर ये पूछा जाता कि राम सुरेश जो है किस दिशा को जा रहा है ना किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उसका उत्तर हो जाता दक्षिण, लेकिन वो पूछा है कि किस दिशा से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम ये जो डायग्राम है 5 से 8 के क्वेश्चन के लिए है, तो मैं हमको यही डायग्राम अगले क्वेश्चन में भी बनाना है, ठीक है। तो मैं ये डायग्राम बना लूँगा, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैंने एक डायग्राम बना लिया है अगले क्वेश्चन के लिए। बोलते हैं यदि शुरुआत को हम यदि यदि शुरुआत में बिंदु ए है, शुरुआत का बिंदु ए है, चलिए ये ए है शुरुआत का बिंदु ए, तथा आखिरी का बिंदु बी है। आखिरी का बिंदु कहाँ आया था, आखिरी का बिंदु यहाँ पे आया था, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, है ना। तो हमको कौन सी दूरी पूछ रहा है, ये देखिएगा, तो बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच की कौन सी दूरी है, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है ना। देखिए टोटली 4 है, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है, तो ये टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, ये 2 है, तो 4 में 2 का कितना बचा, 2 किलोमीटर, 4 में 2 बचा कितना बचा, 2 किलोमीटर। तो हमारे आंसर में तो कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आंसर में रहता तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाता, ठीक है, तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन इस प्रश्न पर।
बोल रहा है कि बी पर जब राम बी बिंदु बी पर राम किस दिशा को देख रहा था, जैसे ही राम बी बिंदु पर आया तो वह तुरंत दाई मुड़ गया था। यहाँ देखिएगा है ना, 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद वो पूरा दाई मुड़ गया था। ये वाला चैप्टर देखिएगा, तो ये कौन सी दिशा पे देख रहा है, तो ऊपर की ओर देख रहा है। ऊपर कौन सा होता है, उत्तर होता है। ऊपर जो है उत्तर होता है। ये देखिए इधर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ऊपर की ओर देख रहा है। तो ऊपर की ओर देख रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये बोलता है कि राम जब पहली बार मुड़ा तो कौन सी दिशा में जा रहा होता है। राम जब पहली बार मुड़ता है तो कौन सी दिशा में जा रहा होता है। सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए। राम 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ये राम 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया यहाँ पे। ठीक है, राम 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और वो यहीं पहली बार मुड़ता है, और वो यहीं पर पहली बार मुड़ता है, फिर वो अपने दाएँ मुड़ता है। तो यही हमारा पहला मुड़ान है राम का। तो राम इस ओर मुड़ जाता है, और ये कौन सी दिशा है, तो ये हमारी पूर्व दिशा है। ठीक है, ये हमारी पूर्व दिशा है, इसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, अब ये हो गया हमारे इस कूट का, पूरे 4 क्वेश्चन हमने यहाँ से कर लिए, 5 से 8 तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लूँ। क्वेश्चन का है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, मैं जो है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, इसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा में चल रहा था। अंत में मैं किस दिशा पे चल रहा था, तो हमको यहाँ पे एक बनाना है, हमको पहले डायग्राम। पहले ऐसा क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें दिशा पूछ रहा है, इसमें किलोमीटर की चर्चा नहीं हुई, फिर भी हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ। मैं पहले आपको इनिशियल बना लेता हूँ, ठीक है, इनिशियल बना लेता हूँ। इसके बाद अगर शॉर्ट ट्रिक से बनेगा तो करने की कोशिश करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये है, 3 किलोमीटर मैं दक्षिण की ओर चला, ये देखिए मैं 3 किलोमीटर दक्षिण चला, ये 3 हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद मैं दाई, दाई मतलब होता है राइट, दाई मतलब होता है राइट। अब नीचे जाएंगे तो आपका राइट हैंड किस साइड होगा, नीचे जाएंगे तो राइट हैंड आपका इस साइड होगा, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट हैंड होगा। दाई मुड़कर मैं 5 चला, चलिए 5 चला दिए इनको। ठीक है, उसके बाद पुनः दाई मुड़ते हैं, दाई मुड़ेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, इसके बाद तो हमको 7 जाना है ना, तो 3 तो है ऊपर, 4 और ले जाता हूँ, ये 7 हो गया। अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था, तो अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था, तो अंत में मैं उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, है ना। आप ऊपर जा रहे हो ना, ऊपर जा रहे हो तो आप उत्तर की ओर चल रहे हो, ये आप उत्तर की ओर चल रहे हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आप अंत में उत्तर की ओर चल रहे थे। अगर इसको डायरेक्शन से करने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि इसमें दिशा पूछा नहीं है। तो ये होगा कि पहले तो मैं नीचे दक्षिण की ओर जा रहा था, 3 किलोमीटर यहाँ से इसे दक्षिण आ गया, 1 मिनट, ये मैं यहाँ से दक्षिण की ओर आ गया 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद मैं मुड़ गया कहाँ पे, उसके बाद मैं राइट ले लिया, एक राइट ले लिया, ये राइट ले लिया, उसके बाद मुझे मैं अंत में फिर से राइट लिया, तो उधर इधर ऐसे बनाएंगे तो भी आप उत्तर की ओर चले जाओगे। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी सीधे 5 मीटर जाता है, एक आदमी सीधे 5 मीटर जाता है और फिर दाईं ओर 10 मीटर जाता है, इसके बाद लगातार वह मुड़ता है, इसके बाद वह लगातार बाएं मुड़ता है। देखिए इसको, क्वेश्चन को पढ़ते समय आप ध्यान दीजिएगा, यदि ये टर्म आपने छोड़ दिया पढ़ते समय, ये वाला है ना, लगातार बाएं मुड़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में कहीं भी फंस जाओगे। ठीक है, एक आदमी सीधे 5 मीटर जाता है और फिर दाईं ओर 10 मीटर जाता है, इसके बाद वह लगातार बाएं मुड़ता है और प्रत्येक बार 10 मीटर चलता है। अपने प्रारंभिक चलने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोग देखिए ऐसा मत कीजिएगा एग्ज़ाम में, कि जैसे मैं भी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे बनाइए, है
है ना, सीधे जैसे पर स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं बनाते जी, बस लास्ट में देख लीजिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। अगर दूरी पूछ रहा है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना, और यदि दिशा पूछ रहा है तो परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बना लीजिएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में आएंगे तो इस प्रकार मत बनाइएगा, आपका समय बेवजह का लॉस्ट होगा, है ना। तो ऐसा करेंगे सीधे आप बनाते जाइएगा। जैसे एक आदमी जो है 5 मीटर जाता है, एक आदमी सीधे 5 मीटर जाता है फिर दाई ओर। देखिए अभी बोला है कि किस दिशा में जा रहे थे तो बताया नहीं है, तो हम कोई भी इनिशियल मान लेते हैं, है ना, ये इनिशियल मान लेते हैं, वो 5 मीटर जाता है। चलिए हमने ऊपर 5 मीटर, आप दाएं बाएं कहीं भी ले सकते हैं अगर दिशा की चर्चा नहीं हुई तो, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका दिशा मिल जाएगा क्योंकि इसमें दूरी पूछा है वो, ठीक है। तो वो 5 मीटर जाता है फिर दाई मुड़ता है, दाई मतलब राइट मुड़ेगा, तो ये देखिए ये राइट मुड़ गया, अब ये 10 चल, इसको हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वो लगातार बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, है ना। हमने थोड़ा स्पेस की वजह से मैं गलत बना लिया हूँ, मैं थोड़ा अलग जगह बनाता हूँ ताकि मुझे स्पेस अच्छे से मिल जाए, ठीक है। ये देखिए ये हमने 5 यहाँ चला लिया क्योंकि हमको बार बार दाएं मुड़ाना है, फिर एक बार हमने 10 चला लिया। अब ये टर्म पढ़िएगा कि वो लगातार बाएं मुड़ेगा, है ना, प्रत्येक बार वो 10 मीटर में, देख पहले बाएं में वो 10 चलेगा, तो बाएं मतलब क्या होता है, बाएं मतलब होता है लेफ्ट, तो ये एक बार 10 चला, ये 10 चला, ठीक है। उसके बाद फिर से उसको बाएं मुड़ना है, फिर से उसको बाएं मुड़ना है, बाएं कितना चलना है, बाएं उसको 5 चलना है, ये 5 चलना है बाएं, ये 5 चला गया, ठीक है। अब उसके बाद वो फिर से 10 चलेगा, ये देखिए ये 10 चलेगा, वो या अंततः यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, अंततः जो है वो यहाँ पे आके रुक गया, अंततः वो यहाँ पे आकर रुक गया, तो यहाँ पे आके रुक गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। अब पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हमारा प्रारंभिक स्थान ये है और ये ऐसा, इसको ऐसा मिला दीजिए, ठीक है, ये ऐसा मिला दीजिए। ये टोटल कितना था, ये टोटल हमने कितना चलाया था इसको, तो टोटल हमने 10 चलाया था, 10 में वो 5 वापस आ गया है, तो ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 होगा, हमको ये निकालना है, ये 5 होगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बना के देखते हैं इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है, तो कर्ण का वर्ग है 5 स्क्वायर प्लस ये धार का वर्ग हो गया, पता है कर्ण का वर्ग, ठीक है, ये 5 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका के वर्ग। अब के का मान निकालेंगे तो हम इधर रूट लगा देंगे, है ना, इधर स्क्वायर लगाएंगे, इधर रूट लगा देंगे, रूट लगाएंगे तो क्या होगा, ये 5 2 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे 5 2 हो जाएगा। 5 2 कैसे होगा, ये अब गणितीय फार्मूला आपको पता होगा ना, ये 25 इंटू, ये हो जाएगा 25 इंटू 2, 25 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर नहीं आ पाएगा, 25 5 के स्क्वायर होते हैं बाहर आ जाएगा और 2 बाहर नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ये कहाँ पे लिखा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, एक बिल्ली जो है पूर्व की तरफ 20 मीटर दौड़ती है, एक जो बिल्ली है पूर्व की तरफ 20 मीटर दौड़ती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है, फिर 10 मीटर दौड़ती है और दाईं ओर मुड़ती है, फिर 9 मीटर दौड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर 9 मीटर दौड़ती है और फिर बाईं ओर तरफ मुड़ती है, फिर 9 मीटर दौड़ती है, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ती है, 6 मीटर दौड़ती है। अब बिल्ली का मुँह किस दिशा में, अब बिल्ली आपकी किस दिशा में खड़ी, पहले तो इसको कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, उसके बाद आपको एक छोटा सा ट्रिक साथ बताएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए बनाते हैं एक बिल्ली के बारे में, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को और नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन का, ठीक है, एक बिल्ली पूर्व की तरफ 20 दौड़ती है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको पूर्व की तरफ ऐसे 20 दौड़ा देते हैं, दौड़ गई, फिर वह दाई मुड़ती है, दाई मतलब राइट, राइट मतलब नीचे, अगर पूर्व की ओर है तो, और 10 चलती है, ये हमने 10 चला दिया,
छोटा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। उसके बाद फिर वह दाई मुड़ती है, दाई मतलब इस साइड दाई मुड़ती है और 9 चलती है। दाई मुड़ती है और ये 10 है ना, याद रखिएगा, दाई मुड़ती है और 9 चलती है, ये लिखिए, ये 9 चली गई। उसके बाद वो बाई मुड़ती है, बाई मतलब लेफ्ट, बाई मतलब लेफ्ट चलती है, लेफ्ट चलती है, तो लेफ्ट यहाँ 5 चलती है, ठीक है, लेफ्ट 5 चलती है। फिर वह बाई तरफ मुड़ती है और 12 चलती है। यहाँ से अगर बाई चलाएंगे तो किधर जाएगा वो, इस साइड जाएगा 12, इस प्रकार ये 12 चलती है, ठीक है, ये हो गया। 12 चलने के बाद क्या होता है, अंत में वह बाएँ मुड़ती है और 6 मीटर दौड़ती है, बाएँ मतलब ऊपर, ये इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अब बोलती है कि बिल्ली का मुंह किस तरफ है, बिल्ली का जो मुंह है वो किस तरफ, तो बिल्ली का मुंह तो उत्तर की ओर है, ऊपर जा रही है ना, उत्तर की ओर है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, ये नॉर्थ आपकी उत्तर की ओर जा रही है। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक कैसे करने की कोशिश करते हैं, हमको कितना राइट और कितना लेफ्ट है ये हमको देखना है पहले, तो है ना। तो पहले दाई मतलब लेफ्ट होता है, तो राइट हम गिन लेते हैं, राइट और लेफ्ट गिन लेंगे पहले, उसके बाद किस दिशा में जा रही है उससे हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो दाई एक, ये दो, है ना, आपको दाई दो दिख रहा है, ठीक है। ये तो हमने लॉन्ग ट्रिक से देखा था, आप शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है कि देखिए, पहले राइट हमने गिन लिया, दो राइट था और बिल्ली 3 लेफ्ट ली थी, ठीक है। और सबसे पहले वो पूर्व दिशा में दौड़ी थी, सबसे पहले बिल्ली जो है पूर्व दिशा में दौड़ी थी, तो ये पूर्व दिशा हमने बना दिया। अब देखिए माइनस कीजिए इसमें, है ना, हमारे पास एक लेफ्ट बच जाएगा, एक लेफ्ट बच जाएगा, दो राइट है, एक लेफ्ट है, हाँ, दो राइट और 3 लेफ्ट है, तो एक लेफ्ट लास्ट बच जाएगा। तो पूर्व दिशा से जहाँ से दौड़ना शुरू की थी वहीं से एक लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट ले लेंगे तो वो नॉर्थ दिशा दिखाएगा। ये होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक, है ना। आप इतना जो बनाए हैं ना, 20-10 दाएँ बाएँ उड़ाए हैं, उससे आप बच जाएंगे। अगर दिशा पूछता है तो आपको इस तरह बताना है, ठीक है, दिशा पूछता है तो आप इस तरह बता सकते हो। अब ये बहुत लोग दिक्कत होगा कि कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ देखिए पहली बार यहाँ लिखा हुआ है कि एक बिल्ली पूर्व की तरफ दौड़ती है, तो यही आपको उसकी पहली या फिर प्रारंभिक दिशा मानना है, और जो भी माइनस या प्लस आता है उसको प्रारंभिक दिशा से ही आगे पीछे बताना होता है। तो प्रारंभिक दिशा इसका पूर्व था, तो जितना बचा है मतलब एक लेफ्ट बचा था, तो प्रारंभिक दिशा से एक बार लेफ्ट घुमा लीजिए, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उत्तर की ओर शो करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तर पश्चिम हो जाता है, उत्तर उत्तर पश्चिम हो जाता है, पूर्व पश्चिम दक्षिण हो जाता है, तो उत्तर और इसी प्रकार आगे भी हो तो पूर्व क्या होगा। देखिए ना, उत्तर पश्चिम हो जाता है पूर्व, पहले तो हम पूरा दिशा बना लेते हैं, ठीक है, हम मेन दिशा पहले बनाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में बनाते थे उसी प्रकार पहले मेन दिशा बनाएंगे, ओरिजिनल जो दिशा है हम पहले बना लेते हैं इस प्रकार से, ये 8 दिशा में बना लिए। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद है हमारा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कौन सा हुआ है, ये उत्तर और पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम पहले तो बना ही लेते हैं, फिर देखेंगे। ये कौन, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये मैंने ओरिजिनल दिशा बना ली, अब हमको जो चेंज करना है मैं उसका नामकरण करूँगा, ठीक है, जो चेंज करना है। तो उत्तर पश्चिम को हम पूर्व बनाते हैं, उत्तर पश्चिम कौन सा है, उत्तर और पश्चिम, तो ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम है, इसको हमको बनाना है पूर्व, पूर्व मतलब होता है ईस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, तो ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा वेस्ट। अब आपको आगे पीछे वाला बनाना है, और ये बता भी दिया कि दक्षिण पश्चिम को हम उत्तर कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहाँ है, दक्षिण और पश्चिम कहाँ है, तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं उत्तर, ये उत्तर बोल रहे हैं, उत्तर मतलब नॉर्थ, तो ये हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है, ये हो जाएगा साउथ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरिजिनल पूर्व को हम क्या कहेंगे,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसी प्रकार अगर चेंज कर दिया जाए तो ओरिजिनल जो पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है ना ओरिजिनल, ये हमारा ईस्ट है ओरिजिनल, इसको हम क्या कहेंगे? तो साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीर जो है उत्तर की तरफ चला। देखिए मैं फिर भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको पढ़ के नहीं बनाना है ना। समीर जो है लास्ट में पूछ क्या रहा है कि वह किस दिशा की ओर स्थित है। अब वह किस दिशा की ओर स्थित है, पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। समीर जो है 20 मीटर चलता है उत्तर की ओर, तो हम कोई इनिशियल पॉइंट बना लेते हैं, है ना, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से वो 20 मीटर चलता है उत्तर की ओर, 20 चलता है, चलिए हमने 20 चला दिया उत्तर की ओर, ये हो गया हमारा 20। ठीक है, इसके बाद वह दाईं मुड़ता है, दाईं मतलब होता है राइट, ये दाईं मुड़ता है और 30 चलता है, ये 30 चला दिए। ठीक है, उसके बाद पुनः दाईं मुड़ता है और 35 चलता है, दाईं मतलब नीचे उड़ेगा, है ना, तो 35 चलेगा, तो 20 यहाँ तक हो गया, 15 और चला दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका 35, टोटल 35 हो गया। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं मतलब लेफ्ट मुड़कर 15 चलता है, ये हमने 15 चला दिया, ये 15, ठीक है, ये 15 चल गया वो। पुनः वो बाईं ओर मुड़कर, देखिए अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं गलत तरीके से बना लिया था, मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इमेज को छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास इमेज बच जाए, मेरे पास जगह बच जाए। ठीक है, मैं जगह बचाने के लिए छोटा किया हूँ। ठीक है, 15 तक चल गया था, उसके बाद पुनः हुआ दाई मुड़ा था, दाई मतलब मुड़ेगा तो वो सॉरी दाई मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, चलिए ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 15 मीटर ऊपर चलता है ये, अब वह 15 मीटर ऊपर चलता है, तो 15 ऊपर चलाते हैं तो यहीं आ जाएगा इसके बराबर में, इस 20 के बराबर में आ जाएगा, ये ऐसा 20 के बराबर में आ गया। वैसे इसको बनाना नहीं है, बस आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 15 आ गया। इसके बाद क्या बोला है कि बताइए वह मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, हमको ये दूरी बतानी है इसकी, किसी दूसरे कलर करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा, ये मूल है और आपको इस दूरी को बताना है यहाँ तक, है ना, और किस दिशा में ये भी बताना है। तो ये तो था आपका 30 और ये तो था आपका 15, ये 30 था और ये 15 था। ठीक है, 30 और 15 कितना होता है, ये होता है आपका 45, 45 किस ओर है, पूर्व की ओर है ना, मूल दिशा से वो पूर्व की ओर है, तो आंसर हो जाएगा 45 मीटर पूर्व की ओर, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है अमर किसी वर्गाकार प्लॉट के उत्तर पश्चिम कोने पर खड़ा है। अमर जो है किसी वर्गाकार प्लॉट के उत्तर पश्चिम की कोने पर खड़ा है, उसकी विकर्ण की दिशा में चलना शुरू किया, आधा चलने के बाद वह दाईं ओर 90 मुड़ जाता है, कुछ और थोड़ा चलने पर बाईं ओर 90 मुड़ जाता है, अमर किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। इसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए और जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे बना लेते हैं। बोल रहा है कि अमर एक वर्गाकार प्लॉट है ना, तो हम एक वर्ग बना लेते हैं, ये लेके हमें एक वर्ग बना लिया, आपको आयत जैसे दिख रहा होगा, समझना वर्ग ही है। ठीक है, ये बोल रहा है उत्तर पश्चिम, तो क्वेश्चन कैसा होगा, उत्तर पश्चिम मतलब कोने कोने की बात कह रहा होगा वो, ये देखिए ये कोने में उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, तो उत्तर पश्चिम आपका ये दिशा होगा। ठीक है, दिशा का आपको ज्ञान अभी तक हो गया होगा, इसलिए मैं इसका ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ। उत्तर पश्चिम पर खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने विकर्ण की दिशा में चलना शुरू किया और आधा चलने के बाद विकर्ण की दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर पश्चिम में खड़ा है ना, ठीक है, विकर्ण की दिशा में शुरू चलना शुरू करते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं इसको ताकि आपको समझ आ जाए, यहाँ से विकर्ण की दिशा में आधा चलकर वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ आ जाता है, उसके बाद वो 90, उसके बाद वो दाई ओर
दाया मतलब नीचे। देखिए आज यदि आप वर्ग पढ़े होंगे तो आपको पता है यदि दोनों विकर्ण अगर काटेंगे तो यहाँ पे 90 अंश की डिग्री बनती है ना। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, ये सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। वो दाई ओर मुड़ा है, यहाँ खड़ा होने के बाद दाई ओर किस साइड होगा उसका, जैसे वो नीचे आ रहा है तो उसका दाई ओर नीचे होगा, तो दाई ओर क्या है वो 90 मीटर है ना, दाई ओर 90 अंश मुड़ा और थोड़ा दूरी चला, ठीक है, ये दाई ओर चला, यहाँ इस दिशा में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर बाई ओर 90 चलता है, बाई ओर 90 मीटर, तो बाई ओर 90 मीटर कैसे होगा, ये इस दिशा में ऐसा होगा, बाई ओर 90 मीटर इस दिशा में होगा। अब बता रहा है कि अभी अमर किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अभी अमर जो है किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अभी जो है अमर जो है, अमर जो है किस दिशा में है, तो इस दिशा में है ना, इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो ये कौन सा दिशा है, और ये है आपका दक्षिण पूर्व, ये है आपका दक्षिण पूर्व दिशा है, ये जो दिशा है ना ये आपके दक्षिण पूर्व दिशा है, उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये डीसी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। चलिए ठीक है, 10 फीट की दूरी तय की, चलिए इसके बनाते जाते हैं पढ़ने के बजाय। सबसे पहले बनाते हैं प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर, ये हमने ए मान लिया, ठीक है, ये ए मान लिया। अब ए से दूसरी जगह मानते हैं ताकि बनाने में दिक्कत ना हो, ये ए मान लिया, ए से वह 10, ए स्थान से चलकर बी तक 10 फीट चला, ये ए से ये है बी और ये है आपका 10, ठीक है, 10 फीट तक चला, तब वह बाई तरफ मुड़ा और तीन, बाई मतलब सॉरी फिर दाई बोला ना, दाई दाई मतलब राइट होता है, तो नीचे राइट चला तीन, ठीक है, राइट चला, फिर वह दाई तरफ मुड़कर 14 चलती है, तो 10 तो हम यहीं तक लाए थे, देखिए इसके बराबर में 10 मान लेते हैं और 4 इधर और चला लेते हैं, तो ये ऐसा प्रकार, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब वो ए से कितनी दूरी पर है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इधर 10 इधर 4 है, अब ये पूछ रही है, ये 3 है, ठीक है। यदि आपको ट्रिपलेट का नियम याद होगा तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट का नियम होता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट का नियम होता है, और ये हमको कर्ण निकालना है, तो ये हो जाएगा 5, है ना, ये हमेशा ट्रिपलेट का रूल होता है, ठीक है, ये होता है ट्रिपलेट का आपका रूल, तो ये हो जाएगा आपका बी, है ना, बी आंसर हो जाएगा 5 फीट, 5 फीट, ठीक है, बी आपका रूल हो जाएगा 5 फीट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन में इतना ही पूछेगा, आपको अलग से फिर कर्ण का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, इस ये सब निकालने में आपका बहुत समय जाएगा, उससे अच्छा ये होगा कि आप ट्रिपलेट कुछ याद कर लीजिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़ा कोई ट्रिपलेट नहीं पूछता, 3 4 5 है, 15 16 17 इस प्रकार के पूछते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कुछ कर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आज आधा घंटा लगभग हो गया, आज यहीं पे आप क्लास ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।